अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जहद इकबाल। आप देख रहे हैं जहद बी एडर्स। तो गाइस, आज हम करेंगे फेस स्मूथ एडिटिंग ऑटोडक्स के अंदर। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आप इतनी फेस स्मूथ कैसे करते हो। तो जैसे आप थंबनेल पे देख रहे हैं इस तरह, आज हम ऑटोडक्स के अंदर फेस स्मूथ एडिटिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑटोडक्स के अंदर और देखते हैं कैसे होती है। सबसे पहले हम जाएंगे ऑटोडेस्क के अंदर गैलरी में, यहाँ से फ़ोटो अपलोड करेंगे। मेरे पास फ़ोटो पड़ी हुई है, तो गाइस हम फाइनली ऑटोडेस्क के अंदर आ गए हैं। और अब हमने टूल पे क्लिक करना है, यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करना है आपने। ये स्मूथ ब्रश सेलेक्ट करना है आपने, सेकंड नंबर वाला। और सेटिंग ध्यान में रखनी है, सेटिंग साइज को 19 पे रखना है, फ्लो को 1 पे, स्ट्रेंथ को 85। तो पिक को जूम कर लें और इस पर धीरे धीरे से ये ब्रश मारते जाएं। ये देखने कितना कमाल का फेस स्मूथ हो रहा है भाई। बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते थे आप फेस स्मूथ किस तरह करते हैं, तो आज मैंने वीडियो बना दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देख लें आप कितनी क्लियरली से स्मूथ हो रहा है। आराम आराम से आपने करना है फेस को, कोई ब्लैक नहीं आ रहा है इसमें। जूम करके आराम आराम से ये आप ये सारे फेस पे कर लेने इस तरह। ये गाइस धीरे धीरे से करने लें, तो ये मैंने कर लिया है फेस स्मूथ। ये देख लें गाइस कितनी क्लियर से ये फेस स्मूथ हो गया है, एकदम जकास पिक बन गई है। तो अब हम इसे शेयर करेंगे लाइटरूम के अंदर कलर चेंज करने के लिए। लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करनी है आपके पास, ये एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो लाइटरूम के अंदर मैंने ये शेयर कर दी है, चलते हैं लाइटरूम के अंदर। गाइस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ये देख लें मेरे पास ये पिक आ गई है। तो अब हम इसकी कलर को चेंज करेंगे, हाईलाइट को माइनस, शेडो को प्लस में 22, ब्लैक को माइनस 21। और इसके बाद हम जाएंगे कलर में। कलर में आपने जो कलर मिक्स में जाके आपने ऑरेंज टोन को माइनस, सेचुरेशन को माइनस करना है, लुमियस प्लस 28, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। और रेड को आपने सेचुरेशन बढ़ा देनी है इसकी, सेचुरेशन प्लस 70 और लुमियस को कम कर देना है। तो अभी अपनी पिक में HD क्वालिटी आई हुई है, कलर देख लें कितना वाइट हो गया है। तो ब्लू टोन को हम माइनस सेचुरेशन माइनस करेंगे इसकी। इसके बाद हम जाएंगे ये इफेक्ट्स में जाकर वेंटेज को कम कर देंगे, क्लैरिटी बढ़ा देंगे इसकी। ये देखने कितनी कमाल की पिक हो गई है। उसके बाद हम चेहरे को स्मूथ करेंगे, इसमें लाइटरूम में भी स्मूथिंग होती है। तो नॉइस रिडक्शन को प्लस में कर देंगे, डिटेल इसकी बढ़ा देंगे, कलर रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे, डिटेल भी बढ़ा देंगे, स्मूथनेस को भी बढ़ा देंगे, इसकी डिटेल भी बढ़ा देंगे। तो देख लें भाई कितनी कमाल की पिक बन गई है बिफोर एंड आफ्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करके बताएं कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।